उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। ग्राम पंचायतवार आरक्षण की सूची जारी होने के बाद आपत्तियां लगाई गईं, जिसको लेकर न्यायालय द्वारा आरक्षण सूची में संशोधन होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आरक्षण सूची को लेकर DPRO रविशंकर द्विवेदी ने बताया कि ब्लॉक प्रमुखों की सीटों में बदलाव होने की संभावना है। DPRO रविशंकर द्विवेदी ने बताया कि 11 फरवरी को जो आरक्षण सूची जारी हुई थी, उसमें सन 1995 से लेकर 2015 तक के आरक्षण को ध्यान में रखकर सूची जारी होनी थी, लेकिन न्यायालय के आदेश पर 2011 की जनगणना के आधार पर 2015 को आरक्षण मानते हुए सूची जारी की गई, जिसको लेकर ये जाहिर हो रहा है कि आने वाली आरक्षण सूची में परिवर्तन संभव है। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि 11 फरवरी 2021 को जो शासनादेश जारी हुआ था, उसमें 1995 से लेकर 2015 के आरक्षण को काउंट करते हुए आगे की आरक्षण की प्रक्रिया की जानी थी, किंतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में पुनः जो संशोधित शासनादेश 17 मार्च को जारी हुआ है, उसमें मुख्य रूप से 2011 की जनगणना के आधार पर और 2015 को आरक्षण मानते हुए पुनः आरक्षण की प्रक्रिया की जानी है। तो यह देखने में आया है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो पंचायत के प्रधानों का हो या क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का हो या जिला पंचायत सदस्यों का, तो परिवर्तन संभव है। सभी सीटों पर सर? नहीं, कुछ ना कुछ सीटों पर फेरबदल होगा, क्योंकि पूरी की पूरी प्रक्रिया लगभग बदल चुकी है। जहाँ पहले 1995 से लेकर 2015 का आरक्षण दिया जा रहा था, अब प्रमुख रूप से 2015 के आरक्षण पर प्रक्रिया की जाने वाली है, तो नेचुरल रूप से इसमें परिवर्तन संभव है। हालांकि DPRO का ये भी मानना है कि ये परिवर्तन सभी सीट्स नहीं हो सकता, लेकिन 2015 के आरक्षण को देखते हुए किसी न किसी सीट पर परिवर्तन संभव है।